उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका के रख दिया। वहीं जिले भर के अधिकारी और पुलिस मौजूद रहे। मामला था बुजुर्ग की मौत का। कोई ऐसी वैसी मौत नहीं, क्योंकि इस बुजुर्ग ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 1:10 पर उसकी मौत होने वाली है। इस वजह से वो बुजुर्ग पहले से ही कफन पहन करके अपनी कब्र खुदवा रहा था। कब्र खुदाई के साथ साथ उसने अपने रिश्तेदारों और गांव वालों को फोन करके भी अपनी मौत का फरमान बता दिया। बाराबंकी जिले के रहने वाले मोहम्मद शफी कहते हैं कि मैं 5 की नमाज अदा करता हूं। इसी दौरान मेरी फरिश्तों से बात होती है। एक फरिश्ते ने मुझे आके कहा कि अब तुम्हारी कल मौत हो जाएगी, तुम अपनी कब्र पहले से ही खुदवा लो। इसी वजह से मैं अपनी कब्र खुदवा रहा हूं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस इस बात को लेकर के पहले से अलर्ट रहे। वहीं 1:10 का समय गुजर जाने के बाद भी जब फरिश्ते नहीं आए, बुजुर्ग की मौत नहीं हुई, तो पुलिस वालों ने 109 साल के चचा मोहम्मद शफी को उनके घर तक छोड़ा और उन्हें समझा करके ऐसी बातें ना करने की सलाह दी। नाम क्या है? मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी नाम है? शफी, हाँ। मतलब आपको कैसे इसके अपने शरीर छोड़ने के बारे में कैसे ज्ञात हुआ? वो ज्ञात हमके बहुत दिन से, रात दिन की इबादत है। रात दिन की इबादत है, मतलब मतलब ऊपर आपके ईश्वर से डायरेक्ट संपर्क हुआ है? अरे पकड़ भेज गए, सब कुछ बता दी। अब सुबह शाम 2 मुलाकात करता हूँ, सलाम अल्लाह से डायरेक्ट नहीं करता हूँ, जिबरील सलाम से कहता हूँ, तो अल्लाह कहीं डायरेक्ट न करता हूँ। खड़े हैं, एक पैगम्बर नहीं बचाएगा, वही सब तुम मिलते हैं। कितने दिन से अब समय इसमें हैं बाबा? ये जो झार भूक करते हैं, कुछ दुआ भभूत करते हैं? हम नहीं करते। अच्छा, कुछ नहीं करते। अंदर आत्मा से आपको जो है मौलवी साहब ने कहा है? मौलवी साहब नहीं कर, मेहनत की तो मेहनत किया है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। 1 रात का उठी तरह कौनों स्वागत है? 1 रात को उठे थे, 9 की नमाज है, यहाँ 5 नहीं लोग पढ़ते हैं, मैं 9 की नमाज पढ़ता रहा। कोई भराज कोई पाई नहीं, गला फंसा 4 4 ऐसी आए थे बाबा रजा कहीं तुम्हें चाहे मुड़ ना उठे तो अगर भलाइते ना। 3 जो तुम्हारी है वो तो क्रास हो गई, 3 क्रास हो गई, तब अल्लाह भलाई सुन डेली दू तो एक दिन भूल गए नहीं गए। अब अल्लाह ने कहा बतावा थे 5 की जिंदगी हम पाए रहना, 5 हमारे पूरे हो गए। सब कोई बाकी नहीं। शरीर बाबा जी किस दिन त्याग करेंगे आप? शरीर किस दिन त्याग करेंगे, कोई दिन बताया था आपने? हम तो चले जाएंगे आज। आज? हाँ। आज ही? कितने बजे, कितने समय? 1:10 पर पड़ेंगे। 1:10 पर यही पे? अच्छा है, ये जिम्मेदारी अल्लाह की है जी। जब उन्होंने कहा तो है तो हम तुमसे बताई गए। हाँ, बताई गुनहगार हो ही, अब हम कैसे जाब जब उन्होंने बताते वही बताएंगे। नमाज 9 की है और यहाँ 5 नहीं पढ़ते हैं, और साल में 4 की नमाज है अलग, को पढ़ते नहीं। डिग्री सलाम की आए थे नमाज 4। मैं DS न्यूज चैनल से रमेश चंदुबेदी यहाँ बाबा जी के पास खड़ा हूँ, जो आज 1:00 पे अपना शरीर त्यागेंगे। जहाँ पे हमको भनक लगी तो जनता द्वारा हमको सूचित हुआ, इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ।